ओम, आज मैं 30 रिपीटर डालती हूँ। कल क्योंकि कल मैंने सिर्फ वहीं पर तक प्रार्थना तक वीडियो बनाई, आज मैं प्रार्थना के बाद जो हमारी शुरू योग होता है वो है मंडकासन से स्टार्ट होता है। तो मंडकासन जो ये है, ये वज्रासन में बैठना है और वज्रासन के बाद ये हाथों को यूं करके अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद और पेट के अगल बगल में, ठीक है, पेट के अगल बगल में, और लंबी सांस भरनी है। लंबी सांस भरने के बाद छोड़नी है और आगे के लिए झुकना है, ऐसे आगे की तरफ देखना, बस इतना ही करना है। इसको 30 या 45 सेकंड तक रुके रखना है सांस को, उसे हल्के हल्के सांस ले सकते हो। दो, फिर लंबी सांस भरो, एक, थोड़ी देर रुक के रखना है, 30-45 सेकंड तक रोक के रखिए। दो, फिर ऐसी 3 या 4 बार करो। दो, फिर इसका दूसरा अभ्यास, बाएं हाथ, फिर दाहिनी हाथ ऊपर से, फिर सांस भरो, सांस छोड़ के फिर झुक जाओ नीचे, बस आगे की तरफ देखना है, नीचे नहीं झुकाना सर को, बस इतना। इसके बहुत सारे फायदे होते हैं, इसको करने से हमें शुगर के लिए बहुत ही लाभदायक है, ब्लड शुगर, हार्ट, कोई भी बीमार, जैसे पेट से संबंधित जो भी बीमारी है सारी इससे काफ़ी दूर होती है। पाचन क्रिया जो हमारी होती है, जब पाचन क्रिया सही रहेगी तो हम बिल्कुल फिट रहेंगे। फिर एक बार और, उससे पाचन क्रिया में फायदा होता है और किडनी जो होती है अगल बगल जो हमारी या नीचे, तो किडनी पे भी जोर पड़ता है, इससे दबाव पड़ता है, तो इससे जल्दी कोई प्रॉब्लम हो तो दूर होती है। इसको करने से बहुत फायदा होते हैं, आप इसको ज़रूर करें। एक, वैसे कमर दर्द वालों के लिए और ब्लड प्रेशर हाई वगैरह जिसका ज़्यादा रहता है ना, उसको ज़्यादा देर तक झुके नहीं रहना चाहिए, ठीक है, कमर दर्द वालों के लिए भी ज़्यादा परेशानी, उस सुखासन में बैठ सकते हैं, इसे वज्रासन में नहीं बैठना है। तो कम से कम 30 या 35 सेकंड, 45 सेकंड तक
रुके रहने की आदत डालना है। एक मिनट तक भी रुक सकते हो। इसको 5-7 बार किया करो। पाचन क्रिया जैसे हमारी ये जोड़ों में यहाँ दर्द, यहाँ से ये सारे, इससे पाचन क्रिया से ये पिंडलियाँ दबती हैं, तो इससे हमारा काफ़ी फायदा होता है। जैसे हम खाना खाते हैं दिन या रात का या सुबह का, तो वज्रासन में 5 या 7 मिनट ज़रूर बैठे, या 5-7-10 मिनट तक ज़रूर बैठे रोज़। इससे क्या होता है, पाचन क्रिया जल्दी ठीक होती है और आपका खाना जल्दी पचता है। ओके, इसके यह फायदा है। इससे, इसको करने से बहुत फायदा होते हैं। जो जो भी हमारे पेट से संबंधित बीमारी होती है, इसी से ठीक होती है। जब हमारी पाचन क्रिया सही रहेगी तो हम बिल्कुल फिट रहेंगे। ओके, नमस्ते ओम। आज के लिए इतना ही, बहुत धन्यवाद।